कम से नहीं आई, कम आई ना, जोर से बोलो श्री गुरुदेव की जय। अभी तो मेरे घर तक भी ना पहुंची आवाज, अब कब पहुंचेगी? अब क्या पहुंचाना, पहुंचेगी श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब इतनी एक सुर में गाना सबके सब ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, देव के द्वारा हरि नाम संकीर्तन किया जा रहा है और मैं गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर हम सब अपने जितने भी मठ के सदस्य हैं सभी भगवान से यही विनती करते हैं कि इनके इस भवन पर इसी तरह से भगवान का हरिनाम संकीर्तन होता रहे और इनके और इनके परिवार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम
हरे कृष्णा प्रेम से बोल दो राधे 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 मजा नहीं आ रहा आना नहीं आया जरा हाथ उठा के बोलो राधे 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 मैं फोन नहीं लाया नहीं घर फोन मिला के पूछता कि घर तक आवाज आई कि नहीं हरे कृष्णा हरि देखो रे ये नंद का छोरा कितना सुंदर कितना ऐसी बांसुरी बजावे बरस पड़े रस धारा गोकुल की एक एक ग्वालिन इस पर तन मन हरि बोल हरि कृष्ण हरे कृष्ण
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरे मंद मंद कनिया पे, तेरे मंद मंद मुझे कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरे मंद मंद मुझे कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे तेरे नैन पड़े कजरारे बानल हो कारे कारे, तेरे नैन पड़े कजरारे बानल हो काले काले, तेरे नैन पड़े कजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, 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 बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे मुझे कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, तेरी मंद मंद मुझे कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, बादल हो काले काले, बादल हो काले काले, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मुझे कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुझे कनिया पे, तेरी मंद मंद मुझे कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, तेरी चाल बड़ी मतवाली सबसे प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है सबसे प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है सबसे प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती
बोलिए युगल सरकार की जय, बोलिए वृंदावन हरी राय जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरी बोल, हमारे श्री राम प्रभु जी के भजन है। अपने बाने में अमृत बोल, अपने बाने में अमृत बोल, रसना राधे राधे बोल। Thank you.
कथा कुछ याद है कि नहीं? तुम तीनों ने एक 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 पांच पांच मिनट कथा हो, ठीक है? तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हाँ देखो अरुण जी कहाँ गए? अरुण अरुण देखो अरुण जी ने ये स्थान को अपना क्या दुकान बनाया ना, दुकान बनाया, इसलिए इन्होंने अपना दुकान बनाया। उनका काम ठीक ठाक से चले और बढ़िया से ये लोग घर से घर में रहे और शांति सुख मिले, इसलिए उन्होंने ये घर बनाया। सोचा सर्वप्रथम भक्त लोग आए, यहाँ पर प्रभु का कथा हो, सत्संग हो, हरि चर्चा हो, क्योंकि कहते हैं मंगल भवन अमंगल। कुछ भी काम करने से पहले
भगवान का नाम को लेकर अगर कोई भी काम करोगे वो जरूर बढ़िया ही होगा, वो कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि आप भगवान का नाम को लेकर के अब वो काम को कर रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया, बोले मधुरम मधुरम मृतक मंगल मंगल नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हलयाबा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। इसका मतलब होता है जो भगवान का नाम है ये क्या है, तो जगत में जितने मीठा है अगर सबसे कोई ज्यादा मीठा हो तो भगवान का नाम है। इसलिए बोले कृष्ण नाम मिठारे और मिठारे, इससे बढ़िया ज्यादा मीठा कुछ नहीं। अगर मीठा नहीं होता हनुमान दिन रात थोड़ी राम का नाम लेते, दिन भर हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन है, तो दिन भर क्यों लेते हैं, उसमें तो कोई मीठा होगा तभी तो ले रहे हैं ना। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, बोले महामंत्र जही जपत महिषा, शंकर भी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी दिन रात भगवान के नाम जप करते हैं। ठाकुर जी की माता देवी की आठ हाथ देखना, एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला। ब्रह्मा जी का चार ही हाथ देखना, एक हाथ में माला देखो। सरस्वती का चार ही हाथ देखना, एक हाथ में माला है। ये जितने सब देवा देवी है ना, सबके सब ठाकुर का नाम जप करते हैं, इसलिए जगत में इनका इतना पूजा हो रही है। इसलिए बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जिसका कमजोर दिल वो नहीं कर सकता है, वो तो दिन भर उल्टा पुल्टा चीज में स्मार्टफोन में उल्टा पुल्टा का नाम नहीं जप करेगा, मीठा लगेगा नहीं, ना कोई दिल वाला जपता। हाँ, इसलिए नाम की माला जपेगा कोई वही प्रभु का नाम जप करते, जिसका कमजोर दिल वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जब दिल इसका कमजोर है वो करेगा नहीं, वो तो इधर उधर का बात करेगा। इसलिए बोले मधुरम मधुरम मृतक कहते मंगलम मंगला नाम, तब जगत में जितने मंगल है कहते सबसे मंगल क्या है, बोले भगवान का नाम है। बोले सकल निगम बल्ली सत्फल चित्त स्वरूपम, इसका मतलब है जितने वेद पुराण उपनिषद अगर सारे शास्त्र को अगर मंथन करोगे ना, अगर मक्खन निकलेगा तो भगवान का नाम ही निकलेगा, क्या निकलेगा, ठाकुर का नाम। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे अगर किसी ने भगवान का नाम जप लिया ना, फिर क्या समझो, उसने वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत सब पढ़ लिया, सब कुछ उसने पढ़ लिया। अगर तुमने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन भगवान का नाम ही नहीं करते हो, तो समझो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो पढ़ते हुए भी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन प्रभु का नाम जप कर लिया, तो समझो तुमको गीता भागवत रामायण सब तुमने पढ़ लिया, क्योंकि सारे शास्त्र का निचोड़ भगवान का नाम है। इसलिए जिस समय श्री वाल्मीकि ने ये रामायण ग्रंथों को लिखे, अभी ये ग्रंथों को लेकर लड़ाई होना शुरू हो गया, बोले एक देवता में और एक दैत्य में और एक इंसान में, तीनों में लड़ाई हुआ। अभी देवता कहते ये ग्रंथों को हम लेंगे, दैत्य कहते नहीं हमें मिलनी चाहिए, और इंसान कहते हमें मिलनी चाहिए, तीनों में लड़ाई हुई। जब तीनों में लड़ाई हुआ, अभी लड़ते लड़ते बोले भैया लड़कर कोई लाभ नहीं, लड़ने से कोई फायदा नहीं, चलो ये ग्रंथ जिनका है हम उनको पास में जाते हैं, उनको बताएंगे भैया आप कुछ व्यवस्था करो। कहते ग्रंथ किसका है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये रामायण को सर्वप्रथम श्री शंकर जी अपना हृदय में पहले रचना की है। इसलिए शंकर जी ये ग्रंथ का रचना करता श्री भोले बाबा, भागवत भी भोले बाबा, माता पार्वती को अमरनाथ में सुनाए, इसलिए ग्रंथ का जो करता श्री भोले बाबा ही इसका करता है। बोले शंकर जी को पास में चलो, ए बात मत करो, जो जहाँ पर खड़े होकर कथा सुनो, बाद में आओगे और सीट मांगोगे, जो बात मांग खड़े रहे।
इसलिए अब इसलिए शंकर जी को पास में गए। शंकर जी बोले देखो बैठ जाओ सबके साथ। शंकर जी क्या बोले, जो जहां पर वही बैठो। इसलिए शंकर जी बोले बैठ जाओ। बोले लड़के के कोई लाभ नहीं, ये ग्रंथों को मैं तीनों में बंटवारा कर देता हूँ। हैं तब वो ग्रंथ में ही जो श्लोक था 100,000 उसमें श्लोक था। कितना श्लोक था? 100,000। जोर से बोला 100,000। 100,000 अभी तीनों में उन्होंने बंटवारा करवाया। इसलिए 100,000 उन्होंने 30,000 दे दिया तीनों को। अभी कितना हजार बचेगा? 10,000। अभी 10,000 को उन्होंने 3,000 दे दिया। कितना बचेगा? 1,000। 1,000 को 300 दे दिया। कितना रह जाएगा? 100। 100 को उन्होंने 30 दे दिया। कितना रहेगा? 10। 10 को उन्होंने 3 दे दिया। कितना रह गया? 1। अभी एक श्लोक रह गया। जो एक श्लोक में कहते तो उसमें चार ही चरण है। कितना चरण है? चार चरण। अभी उन्होंने फिर एक श्लोक को बंटवारा करवाया। जो बंटवारा गया उसमें चार ही चरण, उन्होंने तीनों को एक चरण दे दिया। लास्ट में वो एक चरण बच गया। कहते एक चरण में 8 अक्षर है। कितना अक्षर है? 8। 8 को फिर उन्होंने बंटवारा करवाया, 2 दे दिया। कितना रह जाएगा? 2। लास्ट में 2 अक्षर केवल रह गया। जब 2 अक्षर रह गया तो क्या कृष्ण नहीं था राम, केवल 2 अक्षर रह गया। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतना परिश्रम किया है, मेरे को तो कुछ फल मिलनी चाहिए ना, इसलिए भैया ये 2 अक्षर मेरे को दे दो, मैं ये 2 अक्षर ले लेता हूँ। इसलिए ये शंकर जी कहते ये 2 अक्षर को अपना गले में उन्होंने अपना हार बना लिया शंकर जी हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महिषा। महिषा मतलब शंकर जी, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी के कितने मुंह हैं? 5 मुंह हैं। इसलिए शंकर जी ये 5 मुंह में दिन रात ये जो कृष्ण का नाम और जो राम का नाम शंकर जी दिन भर भगवान के नाम ही जप करते हैं शंकर जी। और रहते हैं कहाँ पर? शमशान के पास में रहते हैं। लगाते हैं क्या? बहुत लगाते। कहाँ के? कोई स्नो पाउडर क्रीम नहीं लगाते शंकर जी, कोई स्नो पाउडर क्रीम नहीं लगाते वो लगाते हैं बहुत ही। बोले कहाँ के? शमशान के। बोले क्यों? क्या उनको कोई क्रीम मिला नहीं, कोई पाउडर मिला नहीं है? तो शंकर जी बहुत क्यों लगाते हैं? और गले में हड्डी की माला धारण करते क्यों? और रहते हैं कहाँ पर? शमशान के पास में। भैया क्यों रहते हैं? कारण क्या? इसका बड़ा रहस्य बताते हैं। आप देखना जब कोई एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, देखे कि नहीं? क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात झूठा ये बोलते हैं ना। लेकिन कब तक बोलेंगे? जब तक उसको लाश को गले कंधे के ऊपर रखेंगे हैं, फिर उसको उतारते ही ना, बोले बीबी सच्चा है, बच्चा सच्चा है, दुनियादारी सच्चा है, हैं? फिर राम का नाम सच्चा नहीं बोलेंगे। इसलिए शंकर जी शमशान के पास में रह रहकर देखते हैं, बोले भैया कैसे लोग को कंधे पर लेकर के लोग कैसे ले आ जाते हैं और ला करके क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। बोले उसको क्या सुनाते हैं? बोले बेटा अगर जगत में जितने राम का नाम और जगत में जितने कृष्ण नाम तुमने किए हो तेरे साथ में केवल उतना ही साथ में जा रहा है और इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया हो सब झूठे ने अपना जीवन बिताया, सबके सब झूठे में जीवन बिताया। इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ बैठ करके सब चीज को देखते रहते हैं, कैसे कैसे एक एक व्यक्ति को लाते हैं लाश को और कैसे जलाते हैं, हैं? कैसे उसको जलाते। इसलिए शंकर जी वहाँ से शिक्षा लेते हैं। क्या शिक्षा लेते हैं? भैया जगत में अगर कोई चीज सच्चा है तो राम का नाम ही सच्चा है, कृष्ण का नाम सच्चा। इसलिए शंकर जी हर समय माला लेकर के वही शंकर जी देखते हैं ना, दुनिया को जला कर चले जाते हैं। इसलिए एक का नाम है शमशान वैराग्य। ए बात मत करो, एक का नाम है शमशान वैराग्य। मतलब क्या है शमशान वैराग्य? ध्यान देकर सुनो, शमशान वैराग्य मतलब क्या? इसका मतलब होता है ये जब कोई व्यक्ति शमशान में एक इंसान को जलाने के लिए ले जाए ना, इंसान को जलाने के लिए ले जाता है, देखना थोड़ी समय के लिए उसका हृदय में वैराग्य आता है।
बोले क्यों? इसलिए बोले इतना बड़ा पैसा वाला था, अरब खरबपति था, कितने पैसा कमाया, लेकिन जब शरीर छूट गया कोई बात मत करो, जो जहाँ पर उधर बैठ जाओ, नहीं तो खड़े रहो। इसलिए माता जी अब बोलो मत। इसलिए उन्होंने क्या देखा, वो देखते हैं इतना बड़ा पैसा वाला था, कितने पैसा कमाया धमाया, लेकिन जब शरीर छूट गया, एक पैसा गया साथ में, एक सुई धागा भी गया, पत्नी गई तो रो रो कर कहाँ तक गई, दरवाजा तक गई, उसको आगे पत्नी गई नहीं, जिसको सात फेरा लगा करके तुमने शादी किया था, परिवार वाले गए तो कहाँ तक गए, शमशान तक गए, वहीं पर जला करके टा टा करते करते वापस, लेकिन गया तो साथ में गया किया। इसलिए पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, जितने राम और कृष्ण का नाम किया वही गया, सब यही छोड़ कर गया। इसलिए शंकर जी इसलिए वहां पर बैठते हैं, ये सब चीज को देखते रहते हैं क्या हो रहा है, एक एक व्यक्ति कमाते धमाते पैसा बात सब छोड़ छाड़ करके अंतिम समय में सब छोड़ कर चले जाते हैं, एक भी उसको साथ में सुई धागा नहीं जाता। इसलिए शंकर जी बैठ बैठ करके सब सारी चीज को देखते हैं, और देख करके ना वहाँ पर देखते भैया जगत में कोई चीज सच्चा नहीं, सच्चा है तो राम का नाम ही सत्य है, और जगत में कुछ सत्य नहीं। इसलिए शंकर जी वहाँ बैठ बैठ कर वैराग्य होता है। इसलिए जो व्यक्ति वो लाश को जलाने के लिए ले जाते हैं ना, कौन कौन ले गए हाथ उठाओ, तो कौन कौन गए साथ में, माताएं तो गई नहीं, पुरुष लोग गए, आप देखना चिता सजाते हैं, चिता सजा कर आग जलाते हैं, जब जलता नहीं ना उसका खोपड़ी में घी भर करके, फिर डंडे से देखना खोपड़ी सहज में नहीं जलता है, उसको डंडे मार मार कर खोपड़ी को जलाते हैं, डंडे मार करके खोपड़ी को जलाते हैं। इसलिए जो ले जाते हैं ना उसका हृदय में वैराग्य आता है, सचमुच है संसार में कुछ भी नहीं, देखो क्या लेकर गया, कुछ भी लिया है, वैराग्य आता है, संसार में कुछ नहीं जुटा है, भैया केवल राम का कृष्ण का नाम ही जप करे और कुछ भी नहीं। लेकिन घर में जब आता है ना, बच्चे जब पापा पापा की बोली बोल देती हैं, बच्चों की तोतली बोली सुन कर बस फिर सब भूल जाते हैं, राम नाम सत्य नहीं, बीबी बीबी बच्चे बच्चे सत्य। इसलिए शंकर जी वहाँ बैठे रहते हैं, ये सब चीज को देखते हैं, और देख करके सार क्या ग्रहण करते हैं, भैया भगवान का नाम ही जप करो, क्या करो, प्रभु का नाम जप करो। इसलिए भोले बाबा बोले देखो मैंने इतना परिश्रम किया बांटने के लिए, उसमें 100,000 श्लोक था, भैया ये 2 अक्षर मेरे को दे दो, मैं अपना गले की हार बना देता हूँ। इसलिए शंकर जी ये 2 अक्षर राम का, 2 कृष्ण, ये 2 अक्षर शंकर जी अपना गले की हार बना दिया है, वो भगवान का नाम है, भगवान की नाम। अगर ये 2 अक्षर अगर किसने अपना गला की हार बना दिया ना, बिना पार तुम्हारी बिना भी पार है। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम को जप करो, समय को बर्बाद मत किया करो, क्योंकि जो मानव शरीर है वो एक एक जो श्वास है ना अनमोल है अनमोल। जैसे अंबानी, अगर डॉक्टर उसको बोल दिया देख परिवार के इसका अंतिम श्वास है, परिवार को बोल दिया इसका अंतिम श्वास, अगर परिवार वाले बोले तुमको 4 कोई भी हीरा दे रहा हूँ, इसका 4 श्वास को वापस ले आओ, वापस ला सकते हैं दुनिया में कोई डॉक्टर, वापस ला सकते हैं, मतलब एक एक श्वास जो है ना, एक एक कोई नहीं हीरा भी उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम स्वयं कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तू पहुँचे हो, 84 लक्ष जोनी भ्रमण करते करते मुक्ति के दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, इसी जीवन में ही प्रभु का तुम नाम जप करके संसार से पार हो सकते हो। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए जो एक एक जो सेकंड है इसकी बड़ी महत्व है। इसलिए हमारी हर श्वास श्वास में भगवान का नाम होनी चाहिए, भगवान की नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना। जो लोग कर रहे हो और जो नहीं कर रहे हो ना, आज से सत्संग से ये गांठ बांध कर ले जाओ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उठते बैठते सोते चलते क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।